गुड़गांव के अंदर नई बस्ती हो, गुड़गांव के अंदर सुभाष नगर का प्रेम मंदिर के सामने वाले क्षेत्र हो, नेता लोग इन क्षेत्रों को अपना वोट बैंक समझते आए हैं। इस क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि हमारा वाल्मीकि समाज, बघेल समाज तो लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में 2024 के अंदर भी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये लोग तरस और तड़प रहे हैं। अभी देखिए ये होल खुला हुआ है, ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, जब बारिश आती है तो पानी भर जाता है, जब पानी भरता है तो इस पूरा गली में पानी भर जाता है। अगर इसमें किसी के साथ हादसा हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार हैं हमारे गुरुग्राम नगर निगम प्रशासन और ये भाजपा के नेता जो सरकार बनाने का दम रखते हैं, सरकार बनाने की बात कहते हैं। क्या इनका मुख्यमंत्री, क्या इनका विधायक इन गलियों में आया? नहीं आया। ये सारे के सारे लोगों का जमीर खरीदने का काम ये करते हैं, ये सारे के सारे लोगों को वोट बैंक समझते हैं, लेकिन इन लोगों की सुनवाई कहीं भी नहीं है। इन लोगों का शिकार किया जाता है, शिकार चाहे तो अपनी सभाओं में बुला करके, चाहे इनको कोई धार्मिक यात्रा करवा करके, चाहे कोई लालच दे करके इन लोगों को सुनवाई खरीदने का काम किया। सीएम साहब ये बाइट वायरल हो रही है कि बगीचा आपके गाँव में दिखे, तो क्या कहना इसको? भाई साहब ऐसे है, मैंने देखा था वो बैलगाड़ी चला रहे थे, लेकिन पीछे उनके फॉर्चुनर गाड़ियों का काफिला भी चल रहा था, उनके पीछे उनकी पूरी सिक्योरिटी टीम भी चल रही थी। क्या वो सच में अगर ऐसी गाड़ी चला सकते हैं? मैं कहता हूँ गुड़गावा की छोटी छोटी बस्ती में आकर के दिखाएं, ये जो बड़े बड़े नेता फॉर्चुनर घूमते हैं, चमचमाती इमारतें बना करके बैठे हैं, जो हथियार भेज रहे हैं, खाटू भेज रहे हैं, अमृतसर भेज रहे हैं, लेकिन इन गलियों में आज भी हालात ऐसे हैं, सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, पीने का पानी गंदा आ रहा है, गांव के युवा गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उन लोगों का क्या? ये सिर्फ और सिर्फ इनको अपना वोट बैंक समझने का काम कर रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ सिर्फ दिखावे की वीडियो वायरल, सारा काम ही दिखावा का है, घोषणाओं का है, दरअसल में कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, आंकड़ों की का काम करते हैं कि आंकड़े होंगे तो सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते। लेकिन अब गुड़गांव से बनी हुई पार्टी, गुड़गांव से जन्म ले चुकी हुई पार्टी, गुड़गांव के जन जन की पार्टी, जन सेवक क्रांति पार्टी आ गई है इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए। और मैं आज नई बस्ती के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना भविष्य सही करना चाहते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सही करना चाहते हैं, तो इस बार अपने जमीर को ध्यान में रखते हुए इस बार नेता को नहीं, एक सेवक को, एक युवा को, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, और यही के व्यक्ति को कि मैं भी भीमनगर का निवासी हूँ, मैं भी छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, मैं जानता हूँ क्या समस्या है, तो ये समस्या कोई भी खेल सकता है। कहने का मतलब बहुत सी समस्याएं गिरा देंगे आपको ये, लेकिन इसका कोई सही समाधान नहीं। 10 साल से कांग्रेस बीजेपी से, बीजेपी कांग्रेस से, लेकिन जनता का जो मानना है रोटी कपड़ा और मकान उसकी बात नहीं कर रहे, क्या कहना चाहूंगा? हम आम लोगों की क्या ही रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमें मूलभूत सुविधा मिल जाए, एक मकान मिल जाए, खाने को अच्छी रोटी मिल जाए, महंगाई ना हो, रोजगार मिल जाए, साफ सफाई मिल जाए, ये हमारा हक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था उसमें साफ लिखा था कि हमारा हक है, लेकिन इन सरकारों ने हमारा हक, हमारा न्याय छीनने का काम किया, सिर्फ ये पिछड़े वर्ग को वोट बैंक बना करके काम करते हैं। इस पिछड़े वर्ग का कभी ख्याल नहीं रखा गया, सिर्फ एक बार के लिए मुख्यमंत्री बनाने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ आप इन मुद्दों के अंदर आए तो सही, आपको मालूम चलेगा कितना दर्द है, कितना गुस्सा है, कितना आक्रोश है इन लोगों के। सबसे बड़ी बात विधायक बनते हो तो जनता के लिए क्या करोगे? देखिए मैं अगर विधायक बनता हूँ, अगर मुझे लोग मौका देते हैं, क्योंकि मैं युवा हूँ, शिक्षित हूँ, ईमानदार हूँ और मैं यहीं का निवासी हूँ, इसी क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैंने इन समस्याओं को जिया है और मैं जानता हूँ कि जिसकी नीयत अच्छी होती है उसकी नीति काम करती है, और नीति अगर काम करे तो समय अनुसार कार्य में गति भी होती है, उसमें गति होगी तो प्रगति होगी। मैं अपनी पहली कलम से आते ही गुड़गांव वालों के लिए जो पिछले 8 साल से एक अस्पताल का काम रुका हुआ है उसको बनाने का काम करूंगा। मैं अपनी पहली कलम से मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे ये साफ सफाई का काम हो, ये काम करने का काम करूंगा। सब लोग वोटिंग के लिए काम करते हैं,
नॉर्मली मुद्दों पे काम करते हैं। आज तक किसी ने वुमेन सेफ्टी को लेकर बात नहीं की। देखिए गुरुग्राम में वुमेन सेफ्टी का कितना बुरा हाल है, गुरुग्राम से हरियाणा पिछले 10 साल में अपराध में नंबर 1 बन गया है। हमारी महिला रात को 10 बजे के बाद रोड पे घूम नहीं सकती। तो आप क्या कहना चाहोगे, आप खुद सोचिए, पत्रकार हो, क्या जो हमारी वुमेन पत्रकार हैं, जो हमारी महिला पत्रकार साथी हैं, वो रात को 10 बजे के बाद कर सकती हैं रिपोर्टिंग? नहीं कर सकती। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित है। और आज ये लोग कहते हैं कि हमें एक बार मौका दे दो, हम फिर से आएंगे। मैं ये कहूँगा मौका इनको दिया जाएगा, इनको बाहर भागने का मौका दे। बीजेपी नारा देता बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उस नारे को लेकर कितना मानते हैं सर? कहाँ से इनका नारा सक्सेस होगा? आप सोचिए, जो हमारी महिला पहलवान है ना, वो बीजेपी खेल मंत्री संदीप जी, उनके ऊपर आज भी केस चल रहा है। महिला पहलवान ने लगाया, इनके नेता ही महिलाओं के ऊपर नजर रखते हैं गंदी। कैसे कैसे बेटी के बारे में बोल सकते हैं? और अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, तो आज जो दिनेश फोगाट जी के साथ हुआ, वो समझ सकते हो मुझे कहने की जरूरत को। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना